कुछ बोलूंगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत गैस करना क्या बोल रहा हूँ। जैस्मिन भसीन रोज की बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस है। खुशी माता सभी खाते हैं पंजाबी, चाइनीज और चीज टोस्ट। वेलकम टू दी जैस्मिन भसीन रोज। कोई तुम्हें तभी गिरा सकता है जब तुम खुद हवा में उड़ने लगो, और जनरली रोस्ट उन्हीं का होता है जो ऑलरेडी फेमस है या हो रहे हैं। लेकिन तुम उस इंसान को क्या गिराओगे जो खुद ही जमीन से जुड़ा हो। इस वीडियो को लेकर तुम सबके अलग अलग विचार होंगे, इसलिए इस बार मैं सबके कॉमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। तो देखते हैं रोस्ट किसका। जैस्मिन गलत, जैस्मिन फिर से गलत। टेलीविजन की कटरीना कैफ, जैस्मिन बिल्कुल सही। भाई मुंह की बात छील ली यार। देखो कैरी से मुझे कोई हेट या प्रॉब्लम नहीं है, इवन वो बंदा कईयों को इंस्पायर करता है, तो अगर तुम कैरी के फैन हो तो समझ जा। जो हो रहा है कंटेंट के लिए हो रहा है, कंटेंट के लिए हो रहा है, कंटेंट के लिए हो रहा है। इस वीडियो में हम कैरी के रोस्ट से कुछ पॉजिटिव बातें निकालेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। हमारी अगली सेलिब्रिटी है जैस्मिन, जैस्मिन। वैसे यार तेरा सूट के टाइम पे सिर्फ नाम पढ़ के मुझे भी एक बार लगा था जैस्मिन, लेकिन फिर मैं खुद पंजाबी हूँ तो मैं समझ गया था जैस्मिन होगा। जैस्मिन मैं वो लड़की नहीं हूँ जो किसी आदमी से डर के कुछ छोड़ दूँ। जैस्मिन छोड़ने लगेगा बाबा। जैस्मिन ये देख के मुझे वो सीन याद है जब जैस्मिन अकेले चार आदमी से लड़ती है। देखा वो वाला इसमें सबसे बढ़िया लगा, तू खान तो मैं भी भसीन। चार चार लोग लड़ रहे हैं और अकेले वो नहीं छुड़ा पाए, यहाँ पे जब लड़ रहे थे तब नहीं छुड़ा पाए जैस्मिन के हाथ। लेकिन एक मिनट, नहीं नहीं तू एक काम कर, तू ना स्ट्राइक मार, असली तो फुद्दू बैठे हैं। मैं काफी सैड था, वीडियो हट चुकी है और ये दिखाने से सिर्फ इतना मतलब था कि हमेशा जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। अरे जैस्मिन इसे वही चीजें पसंद है जिससे ये बोर हो जाती है, बस उसमें कुछ अलग कर दो। शोले हिंदी में, चलो जापानीज में देखते हैं। वाताशी नो सेंटो नोरियोकु वा सम्मान देस। देवा यासे देखा था क्या? कितना फनी लग रहा है भाई। この時が来るのを50待ってあげます。वीडियो का बेस्ट पार्ट है यार ये तो। क्या मतलब कि इसमें कैरी नहीं था इसलिए बेस्ट पार्ट था? भाई मुंह की बात छील ली। बिग बॉस जाने का क्या फायदा हो रहा है? तभी ये खबर आई है, बिग बॉस से निकले प्रतियोगी शाहरुख खान के साथ मिली पिक्चर, या बिग बॉस से निकले प्रतियोगी बीटीएस में मिला दाखिला। यार कैरी की यही बात बहुत पसंद आती कि उसकी आवाज में ना एग्रेशन फील होता है कि उसको कितनी छेड़ है इस टॉपिक से, मतलब वो रोस्ट को तो अलग लेवल पर लेकर गया हुआ है। लेकिन अब कैरी इतना बड़ा बन गया है कि सॉफ्ट होना पड़ेगा उसको, और इस वीडियो में भी दिख रहा है कि वो कितना सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ के चल रहा है। ये वीडियो भी भाई ने बहुत सोच समझ के बनाई है, इसकी डिटेल में बात ना दी आरकेवी रोस्ट में करूंगा। राहुल वैद्य वाला जो रोस्ट है वो भी अच्छा था, तुमको अच्छे से समझ में आएगा। अभी भी देखना वीडियो की स्टार्टिंग में और एंड में कुछ अलग डाला हुआ है और बीच में रोस्टिंग की है, इससे क्या हुआ रोस्टिंग भी हो गई। उन दोनों क्लिप के चक्कर में लोग रोस्ट को भूल भी गए एंजॉय करके। अंतरिक्ष इतना सच क्यों बोल रहा है? तभी ये खबर आई है, बिग बॉस से निकले प्रतियोगी शाहरुख खान के साथ मिली पिक्चर, या बिग बॉस से निकले प्रतियोगी बीटीएस में मिला दाखिला। नहीं अरे भाई सिर्फ शाहरुख और बीटीएस ही थोड़ी होता है यार कि वहां काम मिल गया तो आदमी सक्सेसफुल हो गया, और भी बहुत काम मिलता है। और ऐसा नहीं है कि हर किसी को काम मिलता है, बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन एंड तक बहुत कम लोग टिक पाते हैं, और वहां से निकलने के बाद भी जो बंदा डिजर्व करता है उसको फेम मिलता है। अरे भाई ठीक है म्यूजिक वीडियो तो मिल जाती है सबको, लेकिन वो तो वैसे भी मिल जाती है मतलब। लेकिन एक मिनट हाय गाइस चेक आउट माय न्यू म्यूजिक वीडियो विद टी सीरीज एंड 25 जो से प्रमोट। भाई मुंह की बात छील ली। जो हो रहा है कंटेंट के लिए हो रहा है। अब देखो इमोशन की दो स्टेजेस होती हैं, तैरना और बहना। जैस्मिन डूब चुकी है। बच्चे खुलेगी मेरी जान, खुलेगी सारा खुलेगी। आंखें इसकी नहीं खुल रही, बर्बाद ये हो गई। इतनी हरकतों की वजह से लोग कमेंट करते हैं। भाई अगर पॉजिटिव साइड देखेंगे अगर तो ऐसा है कि भाई आंखें उसकी नहीं खुल रही, बर्बाद वो हो गई, मतलब यह है कि वो इंसानियत के नाते दूसरे का दर्द महसूस कर सकती है। इतनी हरकतों की वजह से लोग कमेंट करते हैं। जो लड़की फालतू मेकअप लगाए वो एक रेटिंग नहीं होती, और सिर्फ रोना एक्टिंग नहीं होती। एंजॉयडी हमें बनाती है हमारी संगति। जैस्मिन के अलावा उससे भी ऊपर है। तो भाई
दुखती नस पकड़ ली फैंस की यार, कैरी भाई यार दुखती नस पकड़ ली, ये वाला सीन डाल के मजाक उड़ा दिया भाई। ये वाले सीन से तो अलग ही इमोशनल अटैचमेंट है यार सबको। जैस्मिन केलर उससे भी ऊपर है। अब क्या कर रहे हो, पारिवारिक शो है, परिवार को सुनने तो दो, भाई कितना खटपट कर रखा है। तुम क्या सोच रहे थे रे? अच्छा क्या सोच? पॉज कंटिन्यू। मुझे खुद रोना आ रहा है, प्रीतमपुरा ड्रामा एकेडमी के बच्चे कितना आगे पहुंच गए। साक्षात सेलमेंडर भाई के सामने ऑडिशन दे रहे हैं। ट्यूबलाइट की रिटर्न में सपोर्टिंग रोल डन। बाकी घर वाले खुंदक में खड़े होकर सोच रहे हैं साला पूरा वीकेंड चूस गया। यार बढ़िया है भाई, बढ़िया, अच्छा अच्छा मजा आया। ऐसा कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा वो लगा कि अली के अस्थमा को ऐसा पॉज और कंटिन्यू नहीं करना था, लेकिन ठीक है चलता है यार। सबको पता है कि भाई जो हो रहा है कंटेंट के लिए हो रहा है। लेकिन अगर मैंने बिग बॉस बिल्कुल नहीं देखा होता और मैं इन लोगों को जानता नहीं होता तो शायद मुझे उतना मजा नहीं आ रहा होता, क्योंकि यार पता ही नहीं रहता ना कि किसकी क्या फीलिंग है, क्या चल रहा है। जैस्मिन वाले पार्ट में तो कुछ भी उल्टा सीधा से बोला नहीं है। एक बात मुझे सच में अच्छी लगी कि यार इस वाले पार्ट में एक भी फालतू गाली वाला वर्ड यूज़ नहीं किया भाई ने। वैसे पूरी वीडियो में बहुत कम यूज़ किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगा बुरा मानने वाली जो चीज़ है ना, मतलब जिसमें लोगों को हर्ट हो सकता है, वो राहुल वाले पार्ट में मुझे लगा था। उसके मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। यार ये वीडियो बनाने का एक कारण ये भी है कि हमेशा तुम मेरी तारीफ करते हो, लेकिन आज मुझे तुम्हारी तारीफ करनी है। तो बहुत अच्छा लगा ये देख के कि कोई भी कैरी के रोस्ट से ऑफेंड नहीं हुआ। सब लोगों ने एक समझदार इंसान के जैसे मजाक को मजाक के जैसे लिया, इवन कुछ फैन पेजेस ने तो अप्रिशिएट भी किया। ये देखो जस्मीन फिर मैंने मैसेज किया था उनको, तो रिप्लाई देखो, वी ऑल टुक इट वेरी हैप्पीली। बहुत ज्यादा हमें कोई गुस्सा नहीं आया। अभी ग्रुप्स में डिस्कशन हो रहे थे कि एवरीवन वाज लाफिंग। सही है, ये अच्छा लगा मुझे। इवन आज सुबह डीएम में भी मुझे मैसेज आया था एक फैन का, ये देखो कैरी वीडियो ऑन रिया, मतलब ये कह रहे थे कि कैरी वाली वीडियो पे रिएक्शन बनाओ, जिसमें कि जैस्मिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रही है और बेस्ट पार्ट था वीडियो का। ऑल्सो कैरी एडिड अ वीडियो वेयर जैस केयर अबाउट सारा, दैट वाज अडोरेबल। वो जो आंख वाला सीन था उसकी बात हो रही है। हम लोग चुन चुन के तारीफ कर रहे उस पार्ट की। सही था, मतलब बुरा मान के कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि मजाक मजाक के जैसे हो रहा है और कैरी यार बिल्कुल भी लाइन क्रॉस नहीं करी उसने इस वीडियो में। मुंह की बात छील ली। बाकी 4-5 दिन का ब्रेक हो गया, लेकिन अब फिर से रेगुलर वीडियोस आएंगी। और मैं जब भी ब्रेक लूं तुम लोग समझ जाया करो कि अब और भी ज्यादा बेहतरीन कंटेंट आने वाला है। अभी तो राहुल का रोस्ट बाकी है, रुबीना वाला भी क्या बोलते हो, कर दे क्या। बाकी कम्युनिटी पोस्ट में मैंने बताया था कि इस महीने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वाली चीजें आने वाली है। भाई अब तो जैस्मिन भसीन ने भी भाई की वीडियो में लाइक कमेंट कर दिया, तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुम भी इंस्टाग्राम में आ जाओ, फॉलो कर लो, बात करेंगे वहां पे, तुम अपने सजेशन दिया करना, मजा आएगा। तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि तुमको वीडियो कैसी लगी, तुम कैरी वाले रोस्ट के बारे में क्या सोचते हो वो भी लिख कर बताओ। और अगर मैं अच्छा लगूंगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बिग बॉस जाने का क्या फायदा मेरा हुआ? मतलब वो नहीं फर्क मुझे क्यों नहीं, बंदी करे टेक्स्ट मुझे, करे कॉल भी, आना चाहती क्लोज ये देती मुझे इट्स ओवर।